हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर ट्रिपल टू। आज मैं आपके लिए एक सिंगल डिजिट एडिशन लाई हूँ। जैसे बच्चों को स्कूल में एडिशन स्टार्ट हो ही जाती है, और एडिशन जो स्टार्ट हो जाती है बेसिक्स आपकी फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है, एंड सेकेंड एंड थर्ड पे या फोर्थ पे क्लास जैसे जैसे बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ता है और मल्टीप्लीकेशन और डिविजन एडिशन के रूल्स भी आते हैं। ठीक है, अब एडिशन एक ऐसी चीज है जो मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होती है। जब टू डिजिट की मल्टीप्लिकेशन होती है तो एडिशन बच्चों को कई बार करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ मैं आपको सिंगल डिजिट के ऊपर स्टार्टिंग में हम एडिशन की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जानेंगे, जिससे बच्चों की जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाएगी। और जो बच्चे जैसे आजकल ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको डिटेल में मेंशन नहीं करना होता कि क्या क्या स्टेप्स है, आपको फाइनल रिजल्ट पे ज्यादा जाना होता है। तो करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सिंगल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिखाने से पहले कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन हैं, हम वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों को 10 का कॉन्सेप्ट सिखाना है कि जो 10 का एडिशन है वो कब आता है। पहले हम इस तरीके से काउंटिंग लिख लेते हैं। तो ये बेसिक काउंटिंग है, इसमें हमें बच्चों को बताना है कि जो 10 है वो कब बनेगा। हम 1 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए 9, 2 में कितना हम ऐड करें कि 10 बन जाए 8, ऐसे ही 3 में 7, 4 में 6, 5, 4, 3, 2 and 1। तो ये बेसिक है जो बच्चों को ये पता हो कि 9 और 1, जैसे छोटे बच्चे तो हम इस तरीके से करा सकते हैं जैसे मैंने कराया था कि जो 1 और 9 आपस में फ्रेंड है। ठीक है, तो 1 का फ्रेंड कौन है 9, 2 का फ्रेंड क्या है 8। तो ये फ्रेंड क्यों है, क्योंकि ये दीज दो नंबर मेक अ 10। ठीक है, ये दो नंबर जो है वो 10 बनाते हैं। तो 1 के साथ अगर 9 है तो ये 10 बनाएगा, 2 के साथ 8 है तो ये 10 बनाएगा, 3 के साथ 7 है तो ये 10 बनाएगा, 4 के साथ 6 है तो 10। अब कई बार बच्चों को लगेगा यार हमें इतने बड़े रूल्स के साथ ये लाइन भी याद करनी पड़ेगी, तो एक सिंपल टिप मैं आपको देती हूँ। बच्चों को सिर्फ 5 5 मोस्ट ऑफ द पता ही होता है, 5 5 10 होता है, 4 तक बच्चों को कराने की जरूरत है। जैसे 1 का फ्रेंड 9 है, 2 का फ्रेंड 8 है, तो आप ये बताइए 1 का फ्रेंड 9 है तो 9 का फ्रेंड भी 1 है, 2 का फ्रेंड 8 है तो 8 का फ्रेंड भी 2 है। इस तरीके से जब बच्चा 4 तक या 5 तक कर लेगा तो जब बच्चे ने 4 किया होगा तो उसको पता है 6 है, तो यार 6 का 4 करने की जरूरत नहीं है, 7 का 3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो एक इजी स्टेप हो जाएगा बच्चों के लिए। तो ये बहुत बेसिक चीज है कि बच्चों को 10 का कॉन्सेप्ट पता हो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में क्या जोड़ें कि 10 बन जाए, ये बच्चों को जरूर पता होने चाहिए। और अगर ये 10 पता चल जाए तो हम देखते हैं कि हमारे लिए एडिशन कितनी क्विक हो जाती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो आइए हम कुछ सम्स करते हैं और इस एग्जाम्पल को थोड़ा और डिटेल में उसमें यूज करते हैं। तो ये हमारे हैं एडिशन के सम जो मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 10 जो रूल मैंने अभी सिखाया है वो किस तरीके से, आप देखिए कितनी लंबी लाइन को भी हम कितना टाइम लेते हैं एडिशन के टाइम में। ठीक है, अब आप देखिए 8 का फ्रेंड कौन था या 2 का फ्रेंड कौन था, इस तरीके से 2 का फ्रेंड 8 या 8 का फ्रेंड 2, तो ये हमारा 10 बन गया। जब भी 10 बनेगा एक डॉट आप ऐसे इस तरीके से बच्चों को हिंट के लगा देंगे, बच्चों को बोलना कि जब भी 10 बनेगा तो यू हैव टू राइट दिस डॉट कि 1 डॉट मतलब 10 बन गया। 7 का फ्रेंड कौन है 3, और हम लाइन इसलिए लगा रहे हैं कि ये डिजिट्स हमारे यूज हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या बचा है सिर्फ 4, 4 के साथ कोई और नंबर नहीं है तो 4 को हम सिंपली छोड़ देंगे। तो 10 प्लस 10 20 20 प्लस 4 24। ठीक है, वरना कई बच्चे क्या कहते हैं 8 फिर फिंगर्स में 9 10 11 12, तो ये प्रोसीजर थोड़ा टाइम ले रहा है और जिससे बच्चों को सम्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और बच्चे बड़े बोर भी फील करते हैं। क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम अपनी बेटी के साथ फेस कर रही थी, वो बिल्कुल भी सम इस तरीके से करना पसंद नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा ये इजी मेथड उसको बताना चाहा और अब वो बहुत क्विकली एडिशन है जो कितनी बड़ी हो वो कर लेती है।
अब नेक्स्ट सम की बात करते हैं, फाइव, फाइव का फ्रेंड क्या है हमारा, फाइव ही होता है, तो ये हमारा 10 बन गया। ओके, टू का फ्रेंड 8 होता है, 8 हो गया, ओनली 3 बचा है हमारा, तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 3 तो मीन्स 23। ऐसे हम इसमें देखेंगे, फोर, फोर का फ्रेंड है हमारा 6, ये हमारा 6 है, एक डॉट। 9 का फ्रेंड 1, 7 का फ्रेंड 3, ओके, 8 का फ्रेंड 2, तो ये सारे डिजिट हमारे यूज हो गए हैं, 1 2 3 4, देयर इज 4 डॉट मीन्स 40। देखिए कितनी बड़ी लाइन थी पर हमने मिनट में सॉल्व कर लिया, तो ये थोड़ा सही है कि हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। 4, 4 का फ्रेंड 6, 3 का फ्रेंड 7, 2 बचा है, 20 प्लस 2 22, ऐसे 6 का फ्रेंड 4, 5 का फ्रेंड 5, ओके, 3 बचा है हमारा, तो 20 प्लस 3 23, 8, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, ओके, 4 प्लस 6 10, एंड हमारा क्या बचा है, 3 एंड 1, तो हमारे 4 बचा है, तो 30 प्लस 4 34। तो देखा आपने कितनी जल्दी ये सम हो गए हैं। ऐसा नहीं है डबल डिजिट की भी मैं सम्स वगैरह लाऊंगी, जिस तरीके से बच्चों को सम्स एडिशन करने में टाइम ना लगे और उन्हें ये भी पता लगे कि 10 कैसे बनता है, ठीक है। तो बेसिक्स है बच्चों को, ये जो रूल्स मैंने अभी आपको बताया है ये आप जरूर करवाएं, ठीक है। मेन तो है कि ये प्रैक्टिस हो बच्चों को, 1 का फ्रेंड 9, 2 का फ्रेंड 8, 3 का फ्रेंड 7, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको भी कंसेप्ट तो इजी ही पता होगा, जो 4th 5th के बच्चे हो जाते हैं कि 10 कब बनता है। तो देखो 10 बनने से हमारे कितने ही सम्स हमारे इजी हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट में, और हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम इन सम्स को किस तरीके से शॉर्ट वे में सीख सकते हैं, शॉर्ट एंड इजी, एंड बच्चे अपने माइंड का यूज करेंगे, तो एक तरीके से ये जो माइंड गेम भी कह सकते हैं, ब्रेन बूस्टिंग एडिशन भी कह सकते हैं, कि बच्चों को बड़ा मजा आएगा। देख तो इस तरीके से ये सम में किस तरीके से करे जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस सम्स की बात करेंगे, देन जी ये सम एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इस तरीके से जो लाइंस में सम होते हैं आप ही आप देखना, बच्चा जो आपका है 1 या 2 मिनट में ये सम सॉल्व कर लेगा, और बड़ा इजी और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ रट्टा है, कोई रूल है, कोई बच्चा समझ के ये सब चीजें करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो पता चल गई होगी किस पर होगी। तो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस तरीके से बच्चों को कराने में तो आप मुझसे जरूर पूछना। तो आज का जो मैं आप बताऊंगी आपको यही है कि बच्चों को 10 का कॉन्सेप्ट बताएं कि 10 कैसे बनता है, 1 के साथ 9, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, इस तरीके से बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को एडिशन बहुत इजी लगेगी। और ये वेरी फर्स्ट पॉइंट है एडिशन का, सिंगल डिजिट का है। नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से डिजिट बढ़ती जाएंगी और बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। अगर आप मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं आपसे यही कहूँगी, और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक करना गाइस, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय ऑल।